बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके उसकी दो वीडियो हैं, दोनों वीडियो आप वॉच कर लो, उसके बाद ही ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल बर्कडन की बात करेंगे अभी हम, और इलेक्ट्रिकल बर्कडन हमने क्या किया है, प्रूव किया है। इलेक्ट्रिकल बर्कडन होता क्या है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसका रोल है, वो वाली वीडियो वॉच जरूर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। कॉपी पेन निकाल लो, पेटी पैक होके बैठ जाओ एकदम। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों, मैं क्या ज़्यादा छोटा लिखता हूँ क्या? बच्चे कमेंट में कहते हैं सर आप बहुत छोटा लिखते हो। अच्छा, बोर्ड पे हमको तो लगता है कि हम बहुत बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, अच्छा बच्चों इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, मैं थोड़ा स्पीड से बताऊँगा। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें क्या लगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये की लगा दी, ये बल्ब है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बच्चों आपको पता है कि सर्किट में फ्लो क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज को पुश कर रहा है, मतलब जो बैटरी है वो बकडन कर रहा है, किस पे, चार्ज पे, कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब जो बैटरी है वो पावर दे रहा है, किसको, चार्ज को, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बकडन हुआ, तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल बकडन का फॉर्मूला पढ़ा था, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिकल बकडन था वो किसके बराबर था, BIT के बराबर, इतना समझ में आ गया। वैसे इलेक्ट्रिकल बकडन होता क्या है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, लेकिन हम क्या कर चुके हैं, उसको ड्राइव कर चुके हैं, इसीलिए हम आगे का पढ़ा रहे हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। मात्र 9 मिनट की वीडियो है, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल बकडन किसके बराबर होता है, V×I×T के बराबर, ठीक। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पावर को। अब सबसे पहली चीज़ है कि सर इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, वो तो बता दो। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर होता है कोई भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, ध्यान से सुनना, कोई भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, समझ में आ गया। जैसे आपने 9th में पढ़ रखा है कि पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो यहां पे होगा द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यहां पे हम सर्किट पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई तकलीफ, डेफिनेशन ऑलरेडी किताब में दे रखी है तो हम लिखा दे रहे, फिर भी द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इनसाइड द सर्किट, ठीक है, जो भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जाए किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। इतनी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ। अब बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और W बराबर हमने क्या निकाला है, VIT, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V×I×T/T, तो T से T गया, P बराबर क्या आ गया, B×I, तो एक फॉर्मूला हमको मिला, पावर बराबर क्या होता है, ये क्या है हमारा, वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज, या कह सकते हो पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल इंटू करेंट। तो यहां पे लिख लो वेयर P इक्वल टू क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक पावर, V क्या है बच्चों, यहां पे पोटेंशियल, और I आप जानते हो क्या है, करेंट। इतनी चीज बच्चों समझ में आई, तो हमको एक रिलेशन मिल गया क्या, पावर का किसके साथ, पोटेंशियल और करंट के साथ। तो पहला फॉर्मूला हमको क्या मिला, पावर इक्वल टू V×I, पोटेंशियल इंटू करंट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ेगा, समझ में आ गया, कोई तकलीफ, क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सर्किट तो आपको पता ही है, सर्किट डायग्राम, वीडियो बंद तो नहीं हो गई,
इतना नोट करो, इधर मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा बच्चों इधर देखो गौर करके, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो यहां पे लिखेंगे वाई यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बच्चों आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ बराबर होता क्या है, वी बराबर आई इंटू आर, ठीक। अब पावर का फॉर्मूला क्या था, पी बराबर होता है वी इंटू आई, तो वी की जगह हम क्या पुट कर दें, आई इंटू आर, और यहां पे आई ऑलरेडी है, ठीक है। लिख दो बेटा, यहां पे लिख देना एच, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। इतना समझ में आ रहा, तो बेटा आई इंटू आई क्या हो जाता है, पी बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक हमको और फॉर्मूला मिल गया, क्लियर दिख रहा है, ठीक बच्चों। एक फॉर्मूला हमको क्या मिला, पावर बराबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमको जो मिला, पहला वाला, ये किसका था, पी बराबर होता है पोटेंशियल इनटू करंट। दूसरा वाला जो फॉर्मूला मिला वो क्या था, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पी बराबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। इतना समझ में आ गया। थर्ड वाला फॉर्मूला दिखाएं, इतना फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड वाला इधर करते हैं, स्क्रीनशॉट लो बच्चों यहां तक। इतना समझ में आ गया। अब थर्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड वाला कैसे आएगा बच्चों। सेम अगेन वाई यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ की जगह अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी बराबर बी इंटू आई है, तो बेटा ओम्स लॉ की बच्चों अगर हम ओम्स लॉ यहां पे रखेंगे तो अगर हम रख दें यहीं पे, सेम चेक कर लो, आई बराबर क्या होगा बच्चों, बी अपॉन आर होगा या नहीं होगा, आई बराबर क्या होगा, बी अपॉन आर होगा। तो यहां पे हम पुट कर दें, बी की जगह क्या रख दें बच्चों, यहां पे अगर हम आई की वैल्यू पुट कर दें, बी अपॉन आर, देखना यहां पे पावर बराबर बी की जगह बी रहने दिया, आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, बी अपॉन आर, बी अपॉन आर। तो एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला क्या मिला, तीसरा वाला, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। कोई तकलीफ, तो ये था थर्ड वाला फॉर्मूला, ठीक। हमने यहां पे क्या किया, आई की जगह हमने क्या सब्सिट्यूट कर दिया, बी अपॉन आर, तो बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, और आर नीचे क्या था, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। तो ये पावर के तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। और भी हम ड्राइव कर सकते हैं लेकिन इतने ही आपको अभी याद रखने हैं, ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है, ठीक है। बिगर यूनिट क्या होती है, स्मॉलर यूनिट क्या होती है, निकालना सिखाएंगे। इतना रब कर दें, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बच्चों अभी मैंने आपको बताया पावर बराबर क्या था बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब बच्चों वर्क डन का यूनिट क्या होता है आपको पता है, जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है आपको पता है, सेकंड। तो बच्चों जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वॉट, ठीक। पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड कह दो या और कह दो इसको, वॉट। समझ में आ गया। तो बच्चों पावर की स्मॉलर यूनिट क्या होती है, वॉट। स्मॉलर यूनिट क्या है पावर की, वॉट। और विगर यूनिट क्या है, क्या है, किलोवाट। क्या है, किलोवाट। समझ में आ गया। बड़ी यूनिट क्या है, किलोवाट, और छोटी यूनिट क्या है, वॉट। इतनी बात समझ में आ गई फटाफट, नोट करो यहां तक। एक दिन आप यू हमको मिल जाओगे, इतना नोट कर लिया बच्चों, नोट करो फटाफट, ठीक। अब बच्चों यहां पे इतना तो समझ में आ गया, ठीक। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों ये बताओ वन वॉट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे ये बताओ कि वन वॉट क्या होता है,
अभी मैंने क्या बताया था कि पावर की यूनिट क्या है, वॉट। तो वॉट बराबर क्या है, जूल अपॉन सेकंड। तो वन वॉट किसके बराबर होगा, वन जूल अपॉन वन सेकंड। मतलब जब वन जूल ऑफ वर्क डन किया जाए, किसमें, वन सेकंड में, ठीक है। व्हेन वन जूल ऑफ वर्क डन किया जाए वन सेकंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वॉट, ठीक है। सीधा सा बोलेंगे, व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकंड इनसाइड द सर्किट इज नोन एज वन वॉट। समझ में आ गया, कोई तकलीफ, नोट करो। सीधा सा फिर से देखो, फिर से देखो, वन वॉट क्या होगा बेटा, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो हमने वॉट के साथ क्या लगा दिया, वन, क्योंकि यूनिट वॉट चाहिए था मुझे। वन वॉट बराबर क्या होगा, वन जूल अपॉन वन सेकंड। मतलब व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकंड इज सिंपली डिफाइंड एज वन वॉट। समझ में आ गया, कोई तकलीफ, ठीक, नोट करो। अब बच्चों, एक किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, एक चीज और लिख लो फिर से, वन किलो वॉट किसके बराबर होता है बच्चों, थाउजेंड वॉट के। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बचे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वीडियो देख लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।